यस विपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। आज हम आपके आगे बहुत अच्छी एक रिकॉर्डिंग लेके आए हैं जिसके अंदर हम कैलकुलेटर के शॉर्टकट्स निकालना सीखेंगे। अगर आप CA, CS, CMA, BCom, MCom लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसके अंदर आप एग्जाम्स के अंदर कैलकुलेटर अलाउड है, वहाँ पर इन ट्रिक्स का यूज़ करके अपना बहुत जो है ना टाइम सेव कर सकते हैं और वो टाइम आपके पेपर के कम्प्लीशन में बहुत मदद करेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, इसके अंदर हम नियर अबाउट 12 जो है ना आपको शॉर्टकट्स दिखाएंगे। इट मे बी पॉसिबल आपको कुछ आता हो, कुछ इनमें से कुछ शॉर्टकट्स आते हो, लेकिन मेरी प्रॉमिस है बेटा आपसे, अगर आप इसको एंड तक देखेंगे तो आपको जरूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के जो फिगर हैं वो बहुत हम सिंपल लेंगे, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट समझाए जा सके। हमारा मेन ध्यान ये रहेगा कि कैलकुलेटर फंक्शन कैसे करता है, तो हम इजी कैलकुलेशन के साथ ही आपको समझा पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, एक कैलकुलेटर में सी का बटन होता है, करेक्ट का बटन होता है, एक ऑन या AC ऑल क्लियर का बटन होता है। ये फंक्शन कैसे कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको हर एक जो शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा उसको सॉल्व भी करना सिखाऊंगा, सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। कोई भी आप नॉर्मल कैलकुलेटर लेते हैं कि उसके अंदर चेक का बटन होता है, करेक्ट का बटन होता है, एक ऑन ओब्लिक AC ऑल क्लियर का बटन होता है, एक ये सी कैंसिल का बटन होता है। ये सब कैसे कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। हम जो करना चाहते हैं वो मैं हमेशा ब्लैक पेन से लिखूंगा और जो हमने गलत लिख दिया वो मैं रेड पेन से लिख के फिर आपको उसको करेक्ट कैसे करना है, शॉर्टकट कैसे लगेगा वो बताऊंगा। तो पॉइंट नंबर 1, आपने करना है 100 मल्टीप्लाइड बाय 5678। तो बड़ा सिंपल सा है, आपका आंसर आएगा 5678 00। लेकिन जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे आपने गलती से क्या लिख दिया, 100 मल्टीप्लाइड बाय 5679 आपने गलती से कर दिया। तो आपने करना क्या है, इस 9 को रिप्लेस करना है किससे, 8 से। तो 9 जब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो आपने क्या करना है, करेक्ट का बटन प्रेस करना है। और करेक्ट का बटन कितनी बार प्रेस करना है, एक बार ही प्रेस करना है, ओनली वन टाइम प्रेस करना है। जैसे आप इसको वन टाइम प्रेस करेंगे ये 9 आपकी स्क्रीन से रिमूव हो जाएगा और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 567। उसके बाद आपने 8 का बटन प्रेस करना है, इज इक्वल टू का बटन प्रेस करना है और आपका आंसर आ जाएगा 5678 00। मैं करके दिखाता हूँ। हमने एक कैलकुलेटर लिया, हमने इस कैलकुलेटर पर लिखा 100 मल्टीप्लाइड बाई 5679। हमने गलती क्या करी, हमने लिख दिया 5679 और 9 की जगह हमने लिखना क्या था 8। तो मैं इस करेक्ट के बटन को कितनी बार प्रेस करूंगा, एक बार, 8 इज इक्वल टू ये आ गया 5678 00। सर अगर आखिरी की दो डिजिट गलत हो जाएं तो कोई बात नहीं, करेक्ट का बटन दो बार प्रेस कर देंगे। आपने गलती से लिख दिया, आपने करना था 100 मल्टीप्लाइड बाय 5678 और आपका आंसर आना चाहिए था 5678 00। आपने गलती से क्या लिख दिया, 100 मल्टीप्लाइड बाय 5678 की जगह आपने गलती से लिख दिया 89। तो अब की बार आखिरी की दो डिजिट आपकी गलत हैं, तो आपको करेक्ट का बटन कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, दो बार प्रेस करना पड़ेगा। ऐसा करने से 8 और 9 आपकी स्क्रीन से गायब हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर दिखेगा 56। उसके बाद आप 78 प्रेस करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे और 5678 00 आपका आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। हमने क्या करा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 5689 कर दिया, इस 89 की जगह होना किया चाहिए था 78। तो मैं इस करेक्ट को दो बार दबाऊंगा, अब मुझे 56 दिख रहा है, 78 मैंने प्रेस किया, फिर इज इक्वल टू मैंने प्रेस किया, 5678 00 मेरे सामने आ गया। ये तो बड़े आसान से थे, अब एक चीज और सीखते हैं। क्वेश्चन वही है, हमने लिखना था 100 मल्टीप्लाइड बाय 5678, हमारा आंसर आना चाहिए था 5678 00। हमने गलती से करा क्या, हमने गलती से लिख दिया 100 मल्टीप्लाइड बाय 4567। इट मींस ये चारों डिजिट गलत हैं। तब इसको सॉल्व करने का एक तो तरीका है कि आप करेक्ट का बटन 4 टाइम्स प्रेस करें, फिर आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, ये सब कुछ हट जाएगा, फिर 5678 करें। एक और तरीका है, जब आपकी स्क्रीन पे आपको 4567 दिख रहा है, आप क्या करेंगे, CE का बटन दबा देंगे। जैसे ही आप CE का बटन दबाएंगे,
इस मल्टीप्लाई के बाद जो भी आपने काम किया था वो सब डिलीट हो जाएगा और आपके कैलकुलेटर की मेमोरी में 100 और मल्टीप्लाई दो चीजें रह जाएंगी। फिर आप प्रेस करेंगे 5678, फिर इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, फिर 5678 00 आपके सामने आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ बेटा आपको कैसे। हमने लिखा 100 मल्टीप्लाइड बाई 5678 की जगह हमने क्या लिख दिया 4567। ये चारों हटाने मेरे को 4567। एक तो ये तरीका है, मैं करेक्ट का बटन दबाऊं, करेक्ट 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 करेक्ट, ये चारों हट जाएंगे, फिर यहाँ लिखूंगा 5678। एक और तरीका है, मैं CE के बटन को प्रेस करूंगा, जैसे ही मैंने CE को बटन को प्रेस किया सब कुछ क्लियर हो गया, 5678 इज इक्वल टू दबाता हूँ तो ये आ जाता है 5678 00। मुझे उम्मीद है ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये सारी चीजें और इंटरेस्टिंग होनी स्टार्ट होने वाली है। फोर्थ पॉइंट देखें, CE मैंने बता दिया, अब करेक्ट की बात करें बेटा। आपने ऐसा करना था 1000 + 300 + 200 = आपका आंसर आना चाहिए 1500। ऐसा आप करना चाहते थे, आपने गलती से क्या कर दिया, 1000 + 350 + 200 और आपके कैलकुलेटर में आपको आंसर दिख रहा है 1550। अब आप इसको ध्यान से देखें तो 1000 सही है, प्लस सही है, प्लस सही है, 200 सही है, एक ही फिगर गलत है। मेरे को लिखना था 300, मैंने गलती से क्या लिख दिया 350। इसको कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे ये थोड़े से आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं करके दिखाता हूँ पहले गलत। 1000 + 350 + 200 = बटन दबाते हैं तो आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है 1550। मैं दोबारा कर देता हूँ, 1000 + 350 + 200 = 1550। अब आप इसको चेक कर रहे थे कि हाँ मैंने पहले 1000 लिखा, फिर प्लस दबाया, फिर 350 लिख दिया, फिर प्लस दबाया, फिर 200 लिख दिया, फिर आंसर आ गया 1550। तो मेरी गलती कहाँ पर होगी, मैंने इस 300 की जगह क्या लिख दिया 350। तो मैं इसी के अंदर इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। मैंने दबाया चेक का बटन, क्या 1000 मेरा सही है, जी हाँ। उसके बाद क्या ये 350 मेरा सही है, नहीं, 350 गलत है। अगर ये 350 गलत है तो यहाँ पर आप करेक्ट का बटन दबाएंगे, उसके बाद आप 300 लिख देंगे, उसके बाद फिर करेक्ट का बटन दबाएंगे, फिर चेक करेंगे 200 देखेगा, फिर चेक करेंगे तो ये देखें ग्रैंड टोटल आपका 1500 आपके सामने आ गया। सर एक बार फिर करके दिखाऊं, लो बच्चों मैं एक बार फिर करके दिखाता हूं। हमने क्या करा, 1000 + 350 + 200 = 1550। इसके अंदर ये 350 गलत है, बाकी सब कुछ सही है, मुझे 350 हटा के 300 लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, चेक का जब मैंने बटन दबाया मुझे दिखा 1000 प्लस, ये सही था, फिर मैंने चेक का बटन दबाया तो यहाँ 350 दिख रहा है, 350 की जगह मुझे क्या लिखना था 300। तो मैं इस करेक्ट का बटन दबाऊंगा, फिर 300 लिखूंगा, फिर एक बार करेक्ट का बटन दबाऊंगा, फिर चेक का बटन दबाऊंगा, फिर चेक दबाऊंगा, तो आप अपने कैलकुलेटर पर देखेंगे आपका करेक्ट आंसर 1500 आपके सामने आ गया। तो ये मैंने आपको सिखा दिया सी और करेक्ट का फंक्शन। बारी आई किसकी, ऑन की और एसी की। एसी मीन्स ऑल क्लियर। आपने ऐसा लिखना था, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा लिखना था 100 × 5678। आपने गलती से इसका आंसर आना चाहिए था 1656700। आपने गलती से क्या करा, इस 100 की जगह 107 × 5678 कर दिया, फिर आपको पता चला अरे हमने 100 की जगह क्या लिख दिया 107। तो इस गलती को सुधारने के लिए आप सीधा एसी का बटन दबाएंगे, सब कुछ आपके कैलकुलेटर से गायब हो जाएगा, बिल्कुल शुरू से फिर आपका कैलकुलेटर वर्किंग करेगा, फिर आपको दोबारा से 100 प्रेस करना पड़ेगा, 5678 प्रेस करना पड़ेगा, फिर जाके आपका आंसर आएगा 5678 00। मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि मेरे को ये बताना था कि ऑल क्लियर और सिर्फ कैंसिल, ऑल क्लियर ये वाला ऑल क्लियर और ये वाला CE, इसके जो दो बटन है इन दोनों का मेरे को डिफरेंस आपको बताना था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इंटरेस्टिंग होने वाली है बाकी कैलकुलेशन, और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बस आप देखते जाएं। दूसरा पॉइंट है आपका रेशियो का। जब आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन करते हैं और भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको रेशियो में किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। मैंने पहले भी कहा था कि हम फिगर बहुत आसान लेंगे। आपने 1000 को 3:5:3:2 में मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वैसे तो बड़ा सिंपल दिख रहा है, 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा 500, 300 और 200।
चलो हम ऐसे नहीं करते, मैथमेटिकली करते हैं, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 3 प्लस 2 10, 10 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो फर्स्ट पर्सन का शेयर आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई 10 करेंगे तो सेकंड का शेयर आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो तीसरे का शेयर आ जाएगा। अब इन सब को अगर आप ध्यान से देखें, 1000 कॉमन है और डिवाइडेड बाई 10 भी कॉमन है। ध्यान से दो चीजें कॉमन है, 1000 कॉमन है, डिवाइडेड बाई 10 भी कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर में पहले लिखेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 10, उसके बाद आपको कैलकुलेटर में दिख रहा होगा 100, फिर आप करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे 500, उसके बाद ध्यान से आपने सिर्फ 3 का बटन प्रेस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, इज इक्वल टू दबाना है तो 300, 2 प्रेस करके इज इक्वल टू दबाओगे तो सीधा 200, इस 3 से पहले मल्टीप्लाई, इस 2 से पहले मल्टीप्लाई प्रेस नहीं करना। मैं करके दिखाता हूं आपको, 1000 डिवाइडेड बाय 10, मैं दोबारा करके दिखाता हूं आपको, 1000 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू, आपके कैलकुलेटर में आपको 10 दिख रहा होगा, 100 दिख रहा होगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 500। अब आपने मल्टीप्लाई का बटन नहीं दबाना, सिर्फ 3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको दोबारा से करके दिखाता हूं, एक और एग्जांपल लेके करके दिखाते हैं। अगला एग्जांपल, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख रुपीज को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वैसे तो सिंपल दिख रहा है, 2 लाख 2 लाख एंड 1 लाख, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, ये तो और भी आसान हो गया। तो आप कैसे करेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू, अब दूसरे के लिए फिर 2 इज इक्वल टू, तीसरे के लिए 1 इज इक्वल टू, तो ये सारे फिगर आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है जी, ये भी हो गया हमारा, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा रेशियो का। तीसरा पॉइंट अब इंटरेस्टिंग स्टार्ट होने जा रहा है, 8 raised to the power 5। अगर आपको सोल्व करना है 8 raised to the power 5, तो इसको सोल्व करने के दो तरीके कैलकुलेटर से। पहला तरीका क्या, आप 8 का बटन दबाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, उसके बाद इज इक्वल टू उतनी बार करेंगे जितनी इस 8 की पावर है, इस एग्जांपल में कितनी 8 की पावर 5, तो मैं इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करूंगा, 5 टाइम्स प्रेस करूंगा, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं, हमने क्या करा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू, ये मैंने इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ऐसा करने से मेरा आंसर सामने आ गया 32768। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक और तरीका इसको सॉल्व करने का, 8 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, दोबारा देखें मैंने क्या करा, 8 मल्टीप्लाइड बाय उसके बाद इज इक्वल टू, मैंने यहां पर 1 प्रेस नहीं किया, अब मैं इज इक्वल टू पता है कितनी बार प्रेस करूंगा, जितनी 8 की पावर है, पावर को मान लेते हैं हम n माइनस 1, यहां पर हमने जितनी पावर थी उतनी बार इज इक्वल टू किया था, लेकिन अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसको जितनी पावर है उसमें से एक कम बार इज इक्वल टू करना पड़ेगा। तो यहां कैसे करना पड़ेगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, 8 की पावर थी 5, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, मुझे 4 टाइम इज इक्वल टू करना है, उसके बाद मेरा आंसर यही आ जाएगा 32768। मैं आपको करके दिखा देता हूं, ये रहा हमारा कैलकुलेटर और हमने अपने कैलकुलेटर में लिखा 8 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 1 2 3 4, देखें यही आ रहा है 32768। तो मुझे उम्मीद है दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए कर देता हूं और आप उसको फिर बड़े ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल अब हम लिखते हैं 9 raised to the power 8, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, 9 multiplied by 1, अगर मैंने मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दिया फिर इज इक्वल टू का बटन मेरे को कितनी बार प्रेस करना है, n 8 टाइम्स प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ऐसा करेंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाई सीधा इज इक्वल टू दबाओगे और अब की बार इज इक्वल टू रहेगा एन माइनस वन, यहाँ पे एन कितना था 8, 8 में से 1 गया 7, 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों तरीकों से जो आंसर आएगा वो दोनों तरीकों से सेम आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका आंसर है 4304671 4304671। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं 9 मल्टीप्लाइड बाय, अब 8 नहीं मुझे 7 टाइम्स इज इक्वल टू करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये आंसर देखें वही सेम है 4304671, और यहां से भी यह था 4304671। तो ये दूसरा टॉपिक भी आपका खत्म हो गया रेशो, और तीसरा टॉपिक भी आपका खत्म हो गया 8 रेज टू द पावर 5। अब अगला पॉइंट जो है वो है 8 रेज टू द पावर माइनस 5। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 8 रेज टू द पावर 5। तो इसको सोल्व करने का एक तो ये तरीका है कि पहले 8 की पावर 5 को ऐसे सोल्व किया जाए, 8 की पावर 5 को हमने सोल्व किया तो कितना आंसर आया 32768, फिर एक 1 डिवाइडेड बाई 32768, अगर हम कैलकुलेटर में करें 1 डिवाइडेड बाई 32768, तो ये आंसर आएगा 0.00003051757। एक तो ये तरीका है इसको सोल्व करने का, एक और तरीका है इसको सोल्व करने का, वो क्या है, अगर आपको 8 रेज टू द पावर माइनस 5 को सोल्व करना है तो आप क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू कितनी बार आपने प्रेस की करना है, n टाइम्स, और हमारे एग्जांपल में n कितना था 5, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू हम कितनी बार प्रेस करेंगे 5 टाइम्स। ऐसा करने के बाद यही वाला आंसर आपके कैलकुलेटर में होगा, मैं आपको करके दिखा देता हूं। हमने लिखा 8, हमने अपने कैलकुलेटर में लिखा 8, फिर डिवाइड का बटन दबाया इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, देखें वही आंसर है 0.00003051757, यही आंसर हमारा यहां पर था। तो ये मुझे उम्मीद है 8 टू द पावर माइनस 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो आपका फंक्शन है वो है जीटी का फंक्शन। ये जीटी का फंक्शन कैसे काम करता है मैं आपको बड़े आसानी से बताता हूं। आपने क्या करना है, मैं सिंपल सी बात, आपने ऐसा करना है, फॉर एग्जांपल 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू, ये आ गया 5000, इसमें प्लस करना है 200 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू, कितना हो गया ये 1400, इसमें फिर प्लस करना है आपने 300 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो गया आपका 600। अब इन सबका टोटल आप करना चाहते हैं 5000 6000 7000, ये आपका आंसर आ गया 7000। इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, आप अपने कैलकुलेटर में लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे 200 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे 300 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू। ऐसा कुछ करने के बाद आप जीटी का बटन दबा देंगे तो सीधा आपके कैलकुलेटर में 7000 दिखेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे, ये रहा मेरा कैलकुलेटर, हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेशन साथ के साथ लिख लेनी है। हमने बताओ क्या लिखना है, 1000, हमने क्या लिखना है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5000 आ गया, 200 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 1400 आ गया, 300 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 600 आ गया। अब आपने इस जीटी के बटन को प्रेस करना है तो सीधा 7000 आएगा, मतलब इज इक्वल टू के बाद जो भी फिगर आए थे वो सब कंप्यूटर की मेमोरी में थे और जीटी ने इन सब का ग्रैंड टोटल कर दिया, मतलब आपको बार बार ये प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पर ये यूज होता है, कैपिटल बजटिंग चैप्टर है और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जहाँ पर ये यूज होता है। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो मेमोरी प्लस में डाल के भी कर सकते थे, अरे मेमोरी प्लस
का यूज जब करते हैं जब माइनस बी हो, फिर एमआरसी का बटन दबाते हैं। ये देखें आपके कैलकुलेटर में एक मेमोरी के बाद प्लस का बटन है, एक मेमोरी के बाद माइनस का बटन है, एक एमआरसी का बटन है। इसका यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। पॉइंट नंबर 6, आपने करना क्या है, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू आ गया 5000। इसमें आपने प्लस करना है 200 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 1400। इसमें अब आपने माइनस करना है 300 मल्टीप्लाइड बाय, वही ले लेते हैं फिगर 2 इज इक्वल टू 600। अब ध्यान रखिए बेटा ये 600 आपने माइनस करने हैं, तो इसका आंसर कैसे आएगा, 5000 और 1000 6400, और 6400 में से माइनस करेंगे आप 600 तो आपका आंसर कितना आएगा 5800। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखें, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू के बाद मेमोरी प्लस का बटन दबा देंगे, क्या कर देंगे आप मेमोरी प्लस का बटन, फिर आप दबाएंगे 200 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू करके फिर आप मेमोरी प्लस का बटन दबा देंगे, फिर आप क्या करेंगे 300 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू के बाद क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप दबाएंगे मेमोरी माइनस का बटन, उसके बाद एम यू का एम आर सी का बटन दबा दोगे, मेमोरी रिकॉल का बटन दबा दोगे, तो आपके आंसर सामने आएगा 5800। मैं करके दिखाता हूं कैसे। हमने अपने कैलकुलेटर में लिखा, जी 1000, ये लिख दिया हमने अपने कैलकुलेटर में 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू दबाने के बाद हमने इस मेमोरी प्लस के बटन को ध्यान से एक बार प्रेस करना है, फिर हमने लिखा 200 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू, फिर मेमोरी प्लस को प्लस कर दिया हमने, फिर हमने लिखना है 300 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 600। अब ये 600 क्योंकि आपने माइनस करना है तो आप मेमोरी माइनस के बटन को एक बार प्रेस करेंगे, फिर एम आर सी को प्रेस करेंगे, तो एक कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा 5800। मुझे उम्मीद है ये 6 पॉइंट मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस मेमोरी आर सी आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, एम यू मार्कअप। हालांकि जब मैं आपको नॉर्मल पढ़ाता हूँ तो मैं इसका एक और शॉर्टकट भी बताता हूँ मार्कअप का। ये मार्कअप क्या कहना चाहता है जरा ध्यान से समझे, पॉइंट नंबर 7 मार्कअप क्या कहना चाहता है। एग्जांपल, हमने कोई चीज 100 रुपीज में प्रोड्यूस करी तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी जी 100 रुपीज। हमने इसे 25 रुपीज के प्रॉफिट पे सेल कर दिया तो हमारा सेल प्राइस कितना हो गया 125। बड़ी सिंपल सी बात है। अब ये जो मेरा प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट इसको दो तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक तो कॉस्ट पे एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक इसको सेल प्राइस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर 25 रुपीज का प्रॉफिट है और 100 रुपीज की कॉस्ट है, इट मींस मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना है 25% ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि मेरी कॉस्ट कितनी है जी 100 और मेरा प्रॉफिट कितना है 25, तो मेरा ये जो प्रॉफिट है 25 ये 25% है 100 का। इसी चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, कैसे भी बोल सकता हूं कि मेरा प्रॉफिट है 20% ऑफ सेल प्राइस। अब देखें जरा सेल प्राइस कितना था 125, मेरा प्रॉफिट कितना है 25, तो ये 25 इस 125 में से कितने परसेंट है, ये 25 इस 125 में से कितने परसेंट है। तो मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया 25 5 द 125 और 25 द 100, ये आ गया आपका 20% ऑफ सेल प्राइस। अब इस चीज को और एक्सप्लेन करता हूं मैं, क्या हम इस 25% को 1/4 बोल सकते हैं, जी हाँ। क्या हम इस 20% को 1/5 बोल सकते हैं, जी हाँ। अब फिर ध्यान से समझे मैं, अगर 4 रुपए मेरी कॉस्ट है, 1 2 3 4, अगर 4 रुपए मेरी कॉस्ट है तो मेरा प्रॉफिट है 1 रुपया। माई प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट, माई प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट। अगर 4 रुपए कॉस्ट है और 1 रुपया मैं प्रॉफिट चाहता हूं तो मेरी सेल कितने की होगी 5 रुपए की, तो 5 रुपए की सेल में से 1 रुपया आपका प्रॉफिट है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 1/5 ऑफ सेल, 1/5 ऑफ सेल। लेकिन इसको कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है, वो देखें मैं बताता हूं आपको कैसे। एग्जाम्पल,
आपको क्वेश्चन में कहता है कि मेरी जो कॉस्ट है ना वो 1400 है और मैं प्रॉफिट कितना चाहता हूं, मैं प्रॉफिट चाहता हूं 30% ऑफ सेल। प्रॉफिट कितना चाहता हूं मैं, 30% ऑफ सेल। अगर मैं सेल पे 30% प्रॉफिट चाहता हूं तो मेरी कॉस्ट 70% ऑफ सेल होगी, तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी जी, 70% ऑफ सेल। अब सिंपल सी बात है, ये 1470% है, तो मैं इसको ऐसे सोल्व कर दूंगा, 1400 डिवाइडेड बाय 70%, ऐसा करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2000। अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, 2000 क्या है मेरा सेल प्राइस, और सेल प्राइस पे मेरा जो प्रॉफिट है वो 30% है, तो इसका 30% हो जाएगा 600 और कॉस्ट हो जाएगी 1400। लेकिन कैलकुलेटर आपको क्या कहता है, आपको कैलकुलेटर बोलेगा 1400 मल्टीप्लाइड बाई 30%, 1400 MU 30%। मैं कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूं, आपने कैसे लिखना है, 1400 मल्टीप्लाइड बाई MU 30%। ये 30% प्रॉफिट सेल पर है, कोस्ट पर नहीं है। फिर आप इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो 2000 आ जाएगा सीधा सेल प्राइस, रिमेनिंग फिगर जो भी आप चाहेंगे वो आपके निकल जाएंगे। मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे, आपने कैलकुलेटर में लिखा 1400, मल्टीप्लाई का बटन दबाया, MU दबाया, 30% कर दिया, कुछ गलत हो गया, हमने क्या करा, 1400 MU 30%, ये आ गया 2000। हमने क्या करा, 1400 MU फिर मल्टीप्लाई करा, ऐसे नहीं करना आपको, 1400 MU फिर मल्टीप्लाई फिर इज इक्वल टू, ऐसा करने से आपका सीधा आंसर कितना आ गया 2000। एक बार फिर करते हैं, 1400 फिर हमने क्या करा, 1400 मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, 1400 शुरू से 1400 MU, MU का बटन हमने प्रेस कर दिया, फिर हमने करा 30% और ये सीधा 2000 आपके सामने आ गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम सिंपल कर सकते हैं कि जो चीज कॉस्ट का 1/4 है वो सेल का 1/5 हो जाएगी, उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सेल को 100 मानते हैं तो प्रॉफिट 30 होता है, तो 70 कॉस्ट होती है, तो ये कॉस्ट 70% है, ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया मार्कअप। 8th पॉइंट और इंटरेस्टिंग है, ये क्या कहता है, 25 का अंडर रूट, सबको मालूम है इसका अंडर रूट 5 होता है, और अंडर रूट का बटन हमारे कैलकुलेटर में भी होता है 25, और ये रहा अंडर रूट, हमने अंडर रूट का बटन प्रेस किया, सीधा मेरा आंसर कितना आ गया 5। जब हम 25 का अंडर रूट लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इसकी पावर है 2, और हम इसको 25 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। फिर इस 25 को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, 5 रेज टू द पावर 2 एंटायर रेज टू द पावर 1/2, ये वाली पावर 2 और ये वाली पावर 1/2 मल्टीप्लाई होते हैं, 2 से 2 कट जाता है, आंसर बच जाता है 5 रेज टू द पावर 1 और अल्टीमेटली आंसर आ जाता है 5। अब अगर आपको ऐसा करना है, क्या 125 अंडर रूट और यहाँ पे इसकी पावर दे रखी है 3, इट मीन्स आपको करना क्या है, 125 की पावर कितनी है 1/3 जो आपको सोल्व करनी है। अब वैसे तो सबको मालूम है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आता है 125, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट के बाद 7 हो 9 हो, जब हम डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर करते हैं WDV से, जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना होता है तो इस फॉर्मूले का यूज होता है। तो क्या फॉर्मूला है, कैसे यूज होगा, वो तो आपको वहां समझ में आ जाएगा, बस आपको 125 अंडर रूट और यहाँ 3 या 125 रेज टू द पावर 1/3 हो तो इसको सॉल्व कैसे करना है कैलकुलेटर से, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको वैसे तो सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो लॉगरिथम से होता है, वो लॉगरिथम वाला तरीका हम अभी आपको नहीं एक्सप्लेन करेंगे, एक कैलकुलेटर से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वो देखते हैं कैसे। आपने किसको सॉल्व करना है, 125 रेज टू द पावर 1/3, तो आप अपने कैलकुलेटर में लिखेंगे 125 लिखने के बाद आप अपने कैलकुलेटर में अंडर रूट का बटन 12 टाइम प्रेस करेंगे, 12 बार उसको क्या कर देंगे प्रेस, 12 बार प्रेस करने से एक आंसर आएगा। ये था हमारा स्टेप नंबर 1, हमने 125 लिखा, उसको अंडर रूट करा 12 बार, जो आंसर आएगा उसके ऊपर लगेगा स्टेप नंबर 2।
फिर मैं बता देता हूं, अब स्टेप नंबर टू का जो आंसर आएगा उसके ऊपर लगेगा स्टेप नंबर थ्री, तो हम इसको स्टेप से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमने 12 टाइम्स क्या करा, अंडर रूट। अब जो आंसर आया उसको हमने करा माइनस वन इज इक्वल टू, एक फिर आंसर आएगा हमारे सामने, फिर हम इसको करेंगे डिवाइडेड बाय लाइफ। इस एग्जांपल में ये डिवाइडेड बाय क्या था, थ्री, तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, थ्री से, फिर लगाएंगे इज इक्वल टू, फिर एक आंसर आपके सामने आएगा। अब फिर ध्यान रखें स्टेप नंबर फोर और स्टेप नंबर फाइव रिवर्स करने और कुछ भी नहीं करना। स्टेप नंबर थ्री में आपने क्या किया, डिवाइडेड बाय लाइफ, इससे पहले स्टेप नंबर टू में आपने क्या किया था, माइनस वन, तो स्टेप नंबर फोर में क्या करना है आपने, प्लस वन, ऐसा करने से फिर एक और आंसर आएगा। इससे पिछले वाले स्टेप में आपने क्या किया था, 12 टाइम्स अंडर रूट। अब आप जो आंसर आया है इसका 12 टाइम क्या करेंगे, स्क्वायर। जब आप इसका 12 टाइम स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर ये 12 टाइम स्क्वायर कैसे होगा, बड़ा आसान है, आप मल्टीप्लाई का बटन दबाएंगे फिर इक्वल टू का बटन दबाएंगे, ऐसा करने से एक बार स्क्वायर होगा, फिर आप मल्टीप्लाई का बटन दबाएंगे इक्वल टू का बटन दबाएंगे, ऐसा करने से दो बार स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा करने से तीन बार, फिर ऐसा करने से चार बार। सर 12 टाइम्स मल्टीप्लाई और 12 टाइम्स इज इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, यस। सर लगातार 12 बार मल्टीप्लाई करना है, नहीं, पहले मल्टीप्लाई फिर इज इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई फिर इज इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई फिर इज इक्वल टू, ये एक बार स्क्वायर, ये दो बार स्क्वायर, ये तीसरी बार स्क्वायर, ये चौथी बार स्क्वायर, और ऐसे ही आपने 12 टाइम क्या करना है, स्क्वायर। ऐसा करने से जो वापस आंसर आ जाएगा वो 5 ही आ जाएगा। मैं पहले आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूं, बड़े ध्यान से करेंगे, बड़े आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है इसको करने में। हमने अपने कैलकुलेटर में लिखा 125। सबसे पहला स्टेप क्या था बताएं, हमने अंडर रूट का बटन प्रेस करना है 12 टाइम्स, अंडर रूट का बटन ये रहा, 12 टाइम प्रेस करते हैं, बड़े ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जो कैलकुलेटर में आ रहा है वो मेरा आंसर है। इस आंसर पे स्टेप नंबर क्या लगेगा, 2। स्टेप नंबर 2 क्या था, माइनस 1, माइनस का बटन दबाएं, 1 इज इक्वल टू, जो आंसर आएगा ये आपके सामने, डिवाइडेड बाय लाइफ, यहां पर लाइफ कितनी थी जी, 3, 125 का अंडर रूट, और यहां पे क्या था, 3, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, जो आ रहा है वो आने दें। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू, जो आ रहा है उसको आने दें, प्लस 1 हो गया। अब 12 बार क्या करना है आपने, स्क्वायर, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 7, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 9, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 11, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12। अब आप अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या रहा है, 5.0031, क्या ये 5 है, आंसर इज यस। मैं इसको दोबारा से आपको रिवाइज कराता हूं, सबसे पहले जो फिगर है वो आप लिख लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, 12 टाइम अंडर रूट, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, जो फिगर है वो लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, 12 टाइम अंडर रूट, फिर क्या करेंगे, माइनस 1, फिर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई लाइफ, उसके बाद रिवर्स, माइनस 1 किया था प्लस 1 कर दो, 12 टाइम अंडर रूट किया था, 12 टाइम क्या कर दोगे, स्क्वायर, और 12 टाइम स्क्वायर कैसे होगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, ऐसे करते रहेंगे 12 बार। सर एक बार फिर और प्रैक्टिस करा दो, और प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमें कोई जल्दी थोड़ी ना है। फिगर बदल देता हूं फिर बेटा आपके लिए, फिगर बदल देते हैं आपकी बारी, हम ले लेते हैं यहां पे, हम ले लेते हैं यहां पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, सबको मालूम है अगर मैं ऐसा करता हूं 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 तो ये आंसर आएगा। अच्छा एक काम और करते हैं, इसको 4 टाइम्स ले लेते हैं, 4 टाइम्स भी क्यों, इसको 5 टाइम्स ले लेते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 1, 2, 3, 4, 5, ये आंसर आएगा 7776, यानी कि 7776 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 1/5 करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो ये आंसर कैसे आएगा देखते हैं, स्टेप नंबर 1 मुझे उम्मीद है आपको याद होंगे, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4,
स्टेप नंबर 5, अब की बार में आंसर भी लिखूंगा आपकी सुविधा के लिए। सबसे पहले अपने कैलकुलेटर में क्या लिख लेंगे, 7776, फिर 12 टाइम्स क्या करेंगे, अंडर रूट, मैं करता हूं आप अपने कैलकुलेटर में करें, 7776, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मेरे कैलकुलेटर में आ रहा है 1.00218960006। फिर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 लगाने के बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या कहते हैं, -1 इज इक्वल टू, मेरा आंसर आया ध्यान से 0.00218960006। फिर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय लाइफ, इस बार हमारे क्वेश्चन में लाइफ क्या है, 1/5, तो 5 होगी, यानी कि हमें इसको सॉल्व करना, 7776 अंडर रूट और ये 5, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डिवाइडेड बाय करेंगे 5 इज इक्वल टू करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है 0.00437920001। अब रिवर्स करना स्टार्ट करेंगे, +1 = +1 = 1.00437920001। अब क्या करना है, 12 टाइम्स स्क्वायर, और 12 टाइम्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, ऐसा करने से एक बार स्क्वायर होगा, देखते रहें कैलकुलेटर में ध्यान से, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये रहा आपकी स्क्रीन पे 6.00941680132, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 6.006 आ गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी तक हमने पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 भी कर लिया, अब आता है पॉइंट नंबर 9, ये प्लस माइनस की क्या होती है, आपके कैलकुलेटर में एक की मिलेगी आपको, इसके आगे लिखा मिलेगा प्लस माइनस, ये करेगी कुछ नहीं, प्लस माइनस वाले को एडजस्ट कर देगी, ये प्लस माइनस जो लिखा हो ना, प्लस माइनस को क्या कर देगी, एडजस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा करना है 1000 प्लस 200 माइनस 2000 इज इक्वल टू, अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो बड़ा सिंपल सा है, माइनस के 800 आएगा, और कैलकुलेटर से करेंगे तो भी माइनस के 800 ही आएगा, वो कैसे, 1000 मैंने कैलकुलेटर पर लिख दिया, प्लस 200 माइनस 2000 जब मैं करता हूं तो ये 800 के आगे ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है, कैसा, ये स्टार्टिंग में कहीं पर माइनस के 1000 प्लस 200 प्लस 2000, अब इसको सॉल्व करोगे तो सबको मालूम है कि पहले मुझे प्लस प्लस वाले सॉल्व कर लेने चाहिए, फिर मुझे माइनस वाला लिखना चाहिए, और मान लीजिए यहाँ पे माइनस के 300 भी हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 300, लेकिन ये 300 किस चीज़ का है, माइनस का, तो 300 लिखने के बाद यहाँ माइनस करूँगा, तो ये माइनस के 300 आ गया, फिर मैंने लिखा माइनस के 1000, फिर मैंने लिखा प्लस के 200, और फिर मैंने लिखा प्लस के 2000, ऐसा करने से आंसर आया 900, और इस 900 के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये 900 किस चीज़ का है, प्लस का। वेरीफाई करते हैं, 2000 और 200 कितने हो गए, प्लस के 2200, 1000 और 300 माइनस के हैं तो कितने हो गए, माइनस के 1300, ऐसा करने से जो आंसर आएगा वो प्लस के 900 आएगा। ये मैं ये बताना चाह रहा था कि पहला फिगर अगर आपका माइनस का है तो ये उसको सॉल्व करने में मदद करता है, ये मैंने आपको बता दिया प्लस माइनस वाला फिगर की। उसके बाद पहले आसान सा कर लेते हैं पॉइंट नंबर 11, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल 500
100 मल्टीप्लाई बाय आपने करना है अंडर रूट 25। ये मैंने इसलिए करा ताकि आपको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सबको मालूम है 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 500, तो आंसर कितना आएगा 2500। हमने कैलकुलेटर में लिख दिया 500 मल्टीप्लाई बाय लिख दिया हमने 25। अब 25 का जब मैं अंडर रूट निकालता हूं और फिर इज इक्वल टू का बटन दबाऊंगा तो भी आंसर 2500 ही आएगा। मतलब बच्चे सोचते हैं कि पहले हमें 25 लिखना है, फिर उसका अंडर रूट निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर 500 दबाना है, फिर आंसर आएगा 2500। मैं करके दिखाता हूं। हमने लिखा 25, हमने पहले इस 25 का अंडर रूट निकाल लिया, आ गया 5, मल्टीप्लाई बाय 500 कर दिया, 2500 आ गया। अगर मैं इसको सीधा लिख देता तो भी आंसर आ जाता, कैसे, 500 ये लिख दिया मैंने, 500 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब अगर मैं इसका अंडर रूट करके इज इक्वल टू दबाता हूं तो भी ये 2500 आएगा। इट मींस जब आपने अपने कैलकुलेटर में लिखा 500 और मल्टीप्लाई, ये तो कैलकुलेटर की मेमोरी में चला गया, फिर आपने लिखा 25 अंडर रूट, उसने पहले 25 के अंडर रूट को सॉल्व करा, यहां से जो आंसर आया उसको इस मेमोरी से मल्टीप्लाई करके सीधा 2500 उसने आंसर दे दिया, तो ये पॉइंट नंबर 11 समझाने का हो गया। अगला पॉइंट है कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज होता है, किसमें यूज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 की पावर आर नंबर ऑफ ईयर। ठीक है जी, आई का मतलब हो गया इंटरेस्ट का रेट, ए का मतलब हो गया अमाउंट। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 रुपीज कहीं पर डिपॉजिट कराए हैं 10% पर एनम के लिए 3 ईयर्स के लिए, तो इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपने 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए, पहले साल इस पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल इस टोटल पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल इस टोटल पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपने कुछ भी नहीं करना, बड़ा सिंपल सा, आप अपने कैलकुलेटर में लिखें 1000 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, आंसर आपके सामने आ जाएगा। बताता हूं मैं आपको कैसे। ये आपका कैलकुलेटर, आपने लिखा 1000 प्लस 10% 1100 प्लस 10% जब आप करोगे तो 1100 में 1100 का 10% 110 जोड़कर 1210 आंसर देगा, फिर करेंगे प्लस 10% तो ये सीधा आंसर आ जाएगा 1331। इसी को सॉल्व करने का एक और भी तरीका है, वो क्या है जरा ध्यान से देखें। हर साल इंटरेस्ट कितना प्लस हो रहा है, हर साल इंटरेस्ट कितना प्लस हो रहा है, 10%, यानी कि हर साल का जो फिगर है वो पिछले साल के फिगर का 110% होगा। तो इसको ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 110% मल्टीप्लाइड बाय 110% मल्टीप्लाइड बाय 110%, ऐसा करने से भी आंसर यही आएगा 1331। मैं करके दिखाता हूं आपको, ये रहा मेरा कैलकुलेटर, मैंने अपने कैलकुलेटर में लिखा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 110% मल्टीप्लाइड बाय 110% मल्टीप्लाइड बाय 110% 1331। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है, ये मैं इसके फेवर में रहता, मैं इसी के फेवर में रहता हूँ, प्लस 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 वाले के फेवर में रहता हूँ। अब एक और शॉर्टकट है इसका, वो क्या, ये सिंपल सा हो गया ना, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था जी, 10 डिवाइडेड बाय 100 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 1.1 रेज़ टू द पावर 3। अब 1.1 रेज़ टू द पावर 3 मैंने सॉल्व करना सिखा रखा है आपको, दो तरीके याद करें, 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू n के बराबर प्रेस करना पड़ेगा, n यहाँ पर है 3। एक और तरीका था 1.1 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो इज इक्वल टू आएगा ये आएगा n-1 और यहाँ पर आएगा n। अगर आप वीडियो स्टार्टिंग से ध्यान से देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 1.1 ये मैंने लिखा अपने कैलकुलेटर में 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, वही आ गया 1.331। इसको फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा जो मेरा स्टार्टिंग का फिगर था 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 1331। यानी कि अगर आप 1000 रुपीज डिपॉजिट कराते हैं 3 ईयर्स के लिए 10% पर एनम के हिसाब से, तो ये 3 ईयर्स बाद 1331 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है जी, अब अगर क्वेश्चन वाला
इसके रिवर्स में आपसे आंसर पूछ ले तो मुझे उम्मीद है वो भी आप कर लेंगे। रिवर्स में मतलब बेटा वो आपको 1331 दे देगा और कहेगा कितने रुपए जमा कराऊं कि वो 3 साल बाद 10% के हिसाब से 1331 हो जाए, वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 10। लास्ट पॉइंट जो इस वीडियो का है वो है पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैपिटल बजटिंग चैप्टर में, गुडविल की कैलकुलेशन वाले चैप्टर में और भी कई जगह यूज होते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पीवी फैक्टर, फटाफट से देखते हैं इसको। मैं फिगर आसान लेता हूं, यहां मैंने लिखा टुडे, यहां लिखा आफ्टर वन ईयर। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, क्या आज का 1 रुपया और 1 साल बाद का 1 रुपया बराबर होते हैं? आप कहोगे सर 1 रुपया तो 1 रुपया होता है। नहीं बेटा, ये बराबर नहीं होते। उसका रीजन क्या है? रिस्क फ्री रिटर्न। अगर आज मेरे पास 1 रुपया है और मैं इसको बैंक में डिपॉजिट कराता हूं, तो बैंक में डिपॉजिट कराने का कोई रिस्क नहीं है। जो मेरी रिटर्न होगी, जो मेरी कमाई होगी, वो क्या होगी? रिस्क फ्री। फॉर एग्जांपल, बैंक 10% पर एनम इंटरेस्ट देता है, तो आज अगर मैं 1 रुपया बैंक में जमा कराता हूं तो बैंक इस पे 10 पैसे का इंटरेस्ट देगा और 1 साल बाद हो जाएगा 1 रुपया 10 पैसे। इट मीन्स आज का 1 रुपया और 1 साल बाद का 1 रुपया 10 पैसे बराबर हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी 10%। अगर ये 12% होता तो 1.12 हो जाता, 15 होता तो 1.15 हो जाता। वो सारी चीजें आप समझ जाएंगे। अब फिर वही बात, क्या आज का 1 रुपया और 2 साल बाद का 1 रुपया बराबर है? आंसर इज अगेन नो। अगर आज मेरे पास 1 रुपया है तो 2 साल तक मुझे 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, और अगली बार इंटरेस्ट 1 रुपये पे थोड़ी मिलेगा, 1 रुपये 10 पैसे पे मिलेगा, तो और ज्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या करना है? हमने आज के 1 रुपये की वैल्यू रखी 1 साल बाद के 1 रुपया 10 पैसे के और 2 साल बाद के 1 रुपया 21 पैसे की। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ। आज मेरे पास 1 रुपया है, 1 साल बाद 10% ब्याज मिल गया 1 रुपया 10 पैसे, 1 साल और बाद मतलब शुरू से 2 साल बाद 10% फिर ब्याज मिल गया, टोटल हो गया 1 रुपया 21 पैसे। अब इसका रिवर्स जानने की कोशिश करें, क्या आज के 1 साल बाद का 1 रुपया आज के कितने रुपए के बराबर होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम। दूसरा क्वेश्चन, आज के दो साल बाद का 1 रुपया आज के कितने रुपए के बराबर होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा? 1 साल बाद वाले का 1/1.1, 2 साल बाद वाले का 1/1.21, इसी तरह 3 साल 4 साल 5 साल वाले का। इसको कैलकुलेटर से सोल्व करना हो तो बड़ा आसान है। 1/1.1 = = = = = अगर आप ऐसे = = = दबाते रहेंगे तो ये आपके आ जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या आ जाएंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मैं आपको करके दिखाता हूं। हमने कैलकुलेटर लिया, हमने अपने कैलकुलेटर में लिखा 1/1.1। मैंने 1.1 क्यों किया? क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%। अब मैं इज इक्वल टू दबाता हूं तो आपके सामने फिगर आ रहा है 0.909090। इसका मतलब है आज के 90 पैसे 1 साल बाद के 1 रुपए के बराबर है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। फिर मैं इज इक्वल टू को दोबारा दबाता हूं तो ये सामने आएगा 0.826। इसका मतलब आज के नियर अबाउट 82 पैसा 2 साल बाद के 1 रुपए के बराबर है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% पर एनम। तो ये जो फिगर आ रहा है ये कहलाएगा पीवी फैक्टर। इज इक्वल टू दबाते जाएंगे तो अगले आने वाले कितने भी ईयर्स का आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल सकते हैं। अब एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन, सर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो तो 1/1.12, 15% हो तो 1/1.15, 8% हो तो, ध्यान से 8% हो तो 1/1.08। आप 1.8 ना कर देना, अगर आपने 1.8 कर दिया तो वो 80% को रिप्रेजेंट करेगा। मुझे उम्मीद है ये आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर समझ में आ गए होंगे। तो ये हमने कुछ शॉर्टकट सीखे, इसके अलावा भी कुछ शॉर्टकट्स हैं वो और कभी देखते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दैट विल बी बेनिफिशियल टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। ओके डियर्स, थैंक्स अ लॉट।